जो रेंजर्स के अफराद हैं उनका भी मैं अथाह दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हजरात ने जामे बिन नूरिया के साथ मिलकर ज़ेरे एहतमाम रेंजर्स 92 सचल विंग्स ने इस प्रोग्राम का इनेकाद फरमाया। उसके साथ साथ खसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डीजी रेंजर मोहतरम जनाब मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआहू के जिनकी सरबराही में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। आज हम सब तमाम मसालिक के लोग एक कुरान की छतरी के नीचे सब जमा हैं। जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तिलावत की, मैं इनके असाज़ा को इनके वालदेन को इनके मदरसे के मोहतमिमीन हजरात को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में आज तमाम सूबों में सैलाब ही सैलाब है। 116 अजला के अंदर सैलाब का पानी पहुँच चुका है। 1134 या 35 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। यहाँ तक के 10,000 घराने तबाह व बर्बाद हो गए। इस सूरत हाल के अंदर मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए हम सब मुत्तहिद होकर ये जो मसाइब और आलात हम पर आ रहे हैं हम वहदानियत के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाथ उठाकर मांगे। और अल्लाह से जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह से हाथ उठाकर मांगेंगे अल्लाह ताला ये आफात और बलाएं मुसीबतें हमसे दूर कर देंगे। अपने फौजी जवान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने रिलीफ दिया और खिदमत के लिए बलूचिस्तान निकले। और इसी तरह केपीके में तमाम सूबों के अंदर आपने देखा कि किस तरह अपनी खिदमत दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरीके से बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। बस के ही धुन गए के मदीना देखो आखरी वक्त में क्या रो नखे दुनिया देखो अब तो बस पास अल्फाज नहीं है जिससे मैं अपने तासरात का इजहार कर सकूं और आपका शुक्रिया अदा कर सकूं इस इज़्ज़त अफजाई के लिए। इस महफिल में कबायर उल्मा तशरीफ़ फरमाए इस वक्त मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मुफ्ती आबद मुबारक अभी तशरीफ़ लाए हैं, जनाब नुमान नईम साहब, आप सब लोगों की और आपके रफका की मौजूदगी में जो कलमात मेरे लिए कहे गए मैं उसका हरगिज़ हकदार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ,
और जो कहते हैं कि खुर्द जो होते हैं उनको खुर्द ही रहना चाहिए, उनको कबायर के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए। तो हमारा रेंजर्स के तौर पे एक बड़ा एक सादा सी काविश थी, इसमें कोई ख़ास विजन वाली बातचीत मैं नहीं क्लेम करूँगा, विजन अल्लाह ताला अपने ख़ास लोगों को देता। हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश थी और ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से उस जज्बे को महमेज दी जाए, ज़िंदा किया जाए जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क बनाया गया था। हमारे जो वालदैन की जो नस्ल है, जनरेशन है, उनके जहनों में, उनके दिलों में पाकिस्तान का जो वजूद है या उसका जो क़याम है, उसकी हैसियत अल्लाह ताला के एक तोहफे के तौर पे बड़ी वाज़े थी। जब अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप कुर्बान, किसी कौम पे मेहरबानी करते हैं और उसको इतने बड़े तोहफे से नवाजते हैं, तो उस तोहफे की भी कुछ तौकीर, कुछ तकरीम का पास करना होता है। आजकल जो सबसे अहम चीज़ है जिसमें आप हजरात ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, और जो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होकर हमारी मदद कर सकते हैं, वो है हमारे बच्चों के जहन में जो शक वाली चीज़ें डालने की एक कोशिश की जा रही है हमारे दुश्मनों की तरफ से। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की, तोड़ने की बहुत कोशिशें पिछले 40 साल में हुई। बहुत सारे मुल्क जिनका नंबर हमारे बाद रखा हुआ था कुछ ताकतों ने, वो हमारी आंखों के सामने तबाह बर्बाद हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से, आप लोग अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बहादुरी की वजह से, खैर की तरफ आपके रुझान की वजह से अल्लाह ताला ने हमारा भरम रखा हुआ और अभी तक हम कायम व दायम हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आइंदा भी कायम व दायम रहेंगे। तो अब जब सारी वो कोशिशें फ़ेल हो गई हैं, तो अभी ये कोशिश जारी है कि जिसमें हमारे बच्चों के जहनों को परागंदा करने की कोशिश की जा रही है। हम तो जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजार तकरीबन ली है, प्रैक्टिकल लाइफ जिसको बोलते हैं, उसके चंद साल रह गए, इससे आगे इन बच्चों का दौर है। अजाने शुरू में मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश कीजिए, सिर्फ हमारी मदद कीजिए, अपनी मदद कीजिए। जिस तरह बुरे लोग इकट्ठे होकर बैठ गए, उस तरह अच्छे लोग भी इकट्ठे होकर बैठ जाएँ और मशवरा करें कि कैसे हमने अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाना है। अगर ये हम कर लेते हैं तो इन सारी महफिलों के तमाम मकासद इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। مرحباً بالكرام والضيوف العظام ادخلوا بالسلام لكم الاحترام مرحباً بالكرام والضيوف العظام ادخلوا بالسلام لكم الاحترام ذاك معهدنا هو قبلتنا فيه كل المنى وبلوغ المرام مرحباً بالكرام والضيوف الصبح بدا من طلعته والنور تجا من وفرته أمض وإخافي مدرستي بالنور يأتي كل معرفة الله Allah